कोई भी कारागिर है ना, किसी कारागिर की बुराई तो करता नहीं। सही बात है। अब उन्होंने खिलाया, अब मैं आया, मैं खिलाऊंगा, बाकी तो जनता बता देगी, पब्लिक बता देगी क्या सही क्या गलत। हम यहाँ पे वड़ा पाव टेस्ट करने हैं, डुप्लीकेट वड़ा पाव आंटी, तो प्लीज बताइए आपको टेस्ट कैसा लगा मुंबई वाला? मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को मुंबई की याद आ गई कसम से। जय महाराष्ट्र। समझ लो। ये तो नहीं आए, सबकी छुट्टी करने तो नहीं आए? नहीं नहीं, सब मेरे भाई बहन है भाई, एकदम लाजवाब है। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मुझे तो आजकल ऐसा लगता चला जा रहा है कि दिल्ली जो है ना, मुंबई से भी ज़्यादा फेमस हो गई है बड़ा पाव के चक्कर में। और दिल्ली में भी जहाँ देखो आजकल क्या है, बड़ा पाव बड़ा पाव बड़ा पाव, हर जगह यही चल रहा है। तो भाई चंद्रिका तो अब लगा नहीं रही अपनी रेडी, क्योंकि उसका तो MCD वाले बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हैं, और बाकी और लोगों का बड़ा बढ़िया करके चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही पता है, आज हम जा रहे हैं, एक भाई चंद्रिका ने कुछ बात बोली थी पहले मुंबई के बारे में कि मुंबई से भी, चलो मैं वो वीडियो आपको दिखा दूंगा अभी। तो मुंबई से हमारा एक भाई आया है, तो उसने जो है आज पीतमपुरा रानी बाग में अपनी शॉप है या रेडी जो भी है वो स्टार्ट करने वाला है, वो भी बड़ा पाव की। तो आज हम चल रहे हैं उसी के पास में, बाकी बातें करते हैं उसके पास पहुँच के, ठीक है? तो दोस्तों, आज जहाँ हम आए हैं ना, वो देखिए ये लोकेशन है, और इसी यही जो रेडी है अभी रेडी कर रहे हैं, ये अभी अपना पूरा सेटअप रेडी कर रहे हैं बड़ा पाव के लिए। तो यहीं आज हम बड़ा पाव खाने के लिए आए हैं, तो अभी करते हैं हम, देखिए आसपास की लोकेशन पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो आज की हमारी लोकेशन है ना, वो देखो ये है ग्रैंड सिटी, ये है ग्रैंड कार्निवाल या फिर अग्रवाल सिटी मॉल, और इसके जस्ट सामने लग रहा है अपना बड़ा पाव। जो मुंबई वाला लड़का आया है ना, वो यहीं पे है, या फिर कह लो जो KFC है, KFC के बिल्कुल जस्ट साइड में। तो ये है भैया की कार्ट जो अभी रेडी हो रही है, ये रेडी कर रहे हैं अभी, और देखो जस्ट साइड में है KFC। तो शुभम, आप मुंबई से हो? हाँ। तो यहाँ पे स्पेशली बड़ा पाव खिलाने के लिए आए हो? हाँ। दिल्ली वालों को? हाँ। तो मतलब यहाँ आने का मेन रीजन क्या था? मेन रीजन यही था कि चलो भाई, मतलब कोई एक ऐसी वजह रही होगी कि जो आपने सोचा कि मैं दिल्ली जाना है, मुझे कोई ऐसा रीजन रहा? हाँ, रीजन तो था आने का, आया था इधर, बहुत नाम सुना था भाई बड़ा पाव का, आने के बाद देखा चलो ठीक है अपन भी दिखाएंगे एक बार खिला। टेस्ट किया जो आपने पहले बड़ा पाव खाया? हाँ, यहाँ पे किस किस का टेस्ट किया? यहाँ पे सबका किया, सबका किया। अच्छा, मतलब कई जगह गए हो दिल्ली में बड़ा पाव खाने के लिए आए हो स्पेशली? हाँ। तो मतलब ऐसा लगा कि हाँ मुंबई वाली फील आई? नहीं आई मुंबई वाली किसी का खा के, मतलब ऐसा फील आया कि हाँ यार ये मुंबई वाला बड़ा? कोई भी कारागिर है ना, किसी कारागिर की बुराई तो करता नहीं। सही बात है। अब उन्होंने खिलाया, अब मैं आया, मैं खिलाऊंगा, बाकी तो जनता बता देगी, पब्लिक बता देगी क्या सही क्या गलत। नहीं, आप बड़ा पाव बनाते हो तो आपको ज्यादा पता है टेस्ट का। बस मैं वही तो बता रहा हूँ, किसी कारागिर की बुराई नहीं करता है, वो तो सही थे। हम लोग बॉम्बे वाले, हमारी टेक्निक अलग रहती है। यहाँ पे मैंने देखा है गोल गोल बना के बड़ा बनाते हैं हम लोग, इस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, मतलब ये आपका जो है जैसा टिक्की स्टाइल होता है वैसा बड़ा है? तो चलो आओ, आज शुभम भाई के हाथ का बड़ा पाव खाते हैं, वो भी स्पेशली फ्रॉम मुंबई। तो आज ये पहला दिन है हमारा यहाँ पे, पहला दिन है। तो यहाँ की जो लोकेशन है वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये M2 के पास है बिल्कुल, और बिल्कुल जो सिटी मॉल है अग्रवाल सिटी मॉल उसी के पास, बिल्कुल उसके जस्ट सामने, और पास में है KFC। तो शुभम भाई एक बात और बताइए हमें ज़रा, कि इसमें मतलब अलग अलग वैरायटीज या फिर कहने वाली चीज कि अलग अलग रहने वाले हैं सारे की चीज, बड़ा पाव सिंपल? तो, वो तो आज भैया कल ही, मतलब अभी तो चालू किया है, आगे तो मतलब वैरायटी रहेंगे, अलग अलग रहेंगे सब, आगे वो वैरायटी रहेगी। आज सिर्फ सिंपल है? आज सिंपल है। और प्राइस रेंज कितने से स्टार्ट है? 40। ओके। Beep.
बड़ा बड़ा मैम। हाँ जी चालू हो गया जी। ये लो बेटा चटनी दे देता हूँ, इसी में डाल दूँ साइड पे। हमारे यहाँ चटनी देने में कोई कंजूसी नहीं है जी। ये लो बेटा मुंबई का बड़ा पाव जो सुगम के द्वारा बनाया गया है भाई, और अपना भाई है स्पेशली मुंबई से। भाई एकदम लाजवाब है, क्योंकि जब मैं मुंबई गया था ना, मैंने तब ट्राई किया था पहली बार, और मैं गया था फरवरी में। पहली बार मैंने बड़ा पाव तब मुंबई में ही खाया था, उससे पहले मैंने कभी बड़ा पाव नहीं खाया। और अब दिल्ली में एक बार पहले खाया था तो उसका स्वाद मैं आपको बता चुका हूँ कैसा था। और आज दिल्ली में ही सेकेंड टाइम मैं आज बड़ा पाव खा रहा हूँ, तो उसका स्वाद एकदम झकास मस्त लगा मेरे को तो भाई। और अगर आपको ये बड़ा पाव ऐसा खाना है ना एकदम मस्त वाला, तो आ जाओ सीधा कहाँ, रानी बाग पीतमपुरा, रानी बाग में M2 के पास। तो कैसा लग रहा है आंटी टेस्ट इसका? जय महाराष्ट्र। तो आप का लगा लो? अभी नहीं देख लो, समझ लो। ये तो नहीं है सबकी छुट्टी करने तो नहीं है? नहीं नहीं सब मेरे ही भाई बहन है। छुट्टी तो सबकी पहले ही हो चुकी है। मैं अगर छुट्टी कर लेता तो सब जब ऐसे होते थे। हाँ तभी तभी आप सारे आपके स्पोर्ट में आए सारे खड़े। अच्छा आपने यहाँ पे दिल्ली बारे में जान लिया, आपने उनका बड़ा पाव खाया? सबका खाया, सबका खाया। उनका भी हो गया, एक एडी मैम है उनका भी हुआ, डुप्लीकेट आंटी उनका भी हो गया, सबका खाया। सब मैं सबका टेस्ट कर चुका हूँ, सबका किया। तो यहाँ पे आए हुए थे पीतमपुरा रानी बाग में M2 के बिल्कुल पास में, और यहाँ पे आज सुबह भाई ने जो मुंबई से आए हुए हैं बड़ा पाव की शॉप स्टार्ट की है अपनी, और टेस्ट करके आए। बाकी में बड़ा बढ़िया था, एकदम मस्त लगा। आप भी आओ ट्राई करके जाओ एक बार, मैं तो यही कहूँगा, जब भी आपको पता चलेगा यहाँ पे स्वाद का।